नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा आपकी आवाज। 31 जुलाई 2023 को नुह में हुई हिंसा के विरोध में आज बादशाहपुर स्थित आर्य समाज मंदिर में क्षेत्र के सम्मानित लोगों की एक शांतिपूर्ण बैठक हुई, जिसमें क्षेत्र के लोगों ने कहा कि हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए कि बाहर के लोग हमारे बादशाहपुर में आकर किसी भी तरह से हमारे गांव की शांति को भंग न करें। हम सभी को कोशिश करनी है कि बादशाहपुर में किसी भी तरह से हिंसा न होने पाए। उन्होंने ये भी कहा कि एक दिन पहले बादशाहपुर में जो भी हिंसा की छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं, वो बादशाहपुर के लोगों ने नहीं की, बल्कि बाहर के लोगों ने आकर यहाँ पे उपद्रव मचाया था। इसके साथ ही आर्य समाज मंदिर में इकट्ठा हुए क्षेत्र के लोगों ने शांति का माहौल बना रहे उसके लिए पुलिस थाने में जाने की बजाय पुलिस को आर्य समाज मंदिर में ही बुलाकर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन एसीपी मनोज कुमार व बादशाहपुर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सतीश देसवाल को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई थी कि 31 जुलाई को आयोजित ब्रजमंडल जल अभिषेक यात्रा पर हुआ प्राण घातक हमला न केवल निंदनीय है, बल्कि इसको हिंदू समाज सहन भी नहीं करेगा। हिंदू समाज इससे आक्रोशित है। पांडवकालीन शिव मंदिर नलहड़ में श्रावण मास में पिछले कई वर्षों से हिंदू समाज बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करते आ रहा है। इस वर्ष भी यह यात्रा 31 जुलाई को पूर्व निर्धारित थी, जिसकी अनुमति प्रशासन से भी ले ली गई थी। इस यात्रा में पुरुषों के साथ बड़ी संख्या में बच्चे व महिलाएं भी शामिल थी। नलहड़ मंदिर में जलाभिषेक करने के बाद जब यात्रा तिरंगा चौक पर पहुंची, तो पहले से ही घात लगाकर बैठे थे विशेष समुदाय के लोगों ने लाठी डंडे व पत्थरों व गोलियों से उन पर अचानक हमला कर दिया, गाड़ियों में आग लगानी शुरू कर दी। ज्ञापन में कहा गया कि योजनाबद्ध व पूर्ण नियोजित तरीके से यह हमला हुआ है, इससे किसी बड़े षड्यंत्र की आशंका है। नलहड़ मंदिर में फंसे भक्तों को चारों ओर से घेर लिया गया था, जिसमें कई भक्तों के अलावा पुलिस कर्मियों को भी जान गंवानी पड़ी है। अनेक पुलिसकर्मी व श्रद्धालु घायल हुए हैं। सैकड़ों गाड़ियों में दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया है। दिए गए ज्ञापन में मांग की गई है कि इस आपराधिक षड्यंत्र में शामिल लोगों की पहचान करके उन पर तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाए, दोषियों की संपत्ति कुर्क की जाए, उनके मकानों को ध्वस्त कर दिया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी नापाक घटनाओं पर रोक लगाई जा सके, ऐसे अपराधियों पर NSA लगाया जाए। मेवात में बढ़ रहे अवैध हथियारों और अवैध वाहनों के साथ अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं की पूर्ण जांच कर कठोर कार्रवाई की जाए। मेवात की संवेदनशीलता को देखते हुए वहां पर स्थायी रूप से सैनिक अर्धसैनिक बलों का केंद्र बनाया जाए। घटना में मृत और घायल भक्तों व पुलिस कर्मियों को उचित मुआवजा दिलाया जाए। आइए सुनते हैं ज्ञापन देते समय स्थानीय लोगों ने पुलिस से क्या मांग की और उसके बाद पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से क्या अपील की। ये जो 31 जुलाई को मेवात के अंदर जो घटनाक्रम हुआ है, उससे ये लगता है कि एक साजिश के तहत उस भोले बाबा की यात्रा में जो लोग हिंदू समाज शामिल था, एक षड्यंत्र के तहत कि वहाँ का जो नल्लड़ का मंदिर है, जो सुरोजपुर का जो मंदिर है, वहाँ पर हिंदू समाज पूजा पाठ ना कर सके, ऐसी योजना बना करके इन पर हमला किया गया ताकि हिंदू समाज भयभीत हो जाए और दोबारा यहाँ आने की चेष्टा ना करे। ये पूर्व नियोजित कार्यक्रम दिखाई दे रहा था, जिस तरह के पत्थर लाठी डंडे गोलियाँ वहाँ एकत्रित थी घरों के ऊपर, छतों के ऊपर। वो पत्थर थे जो रेलवे लाइन पर रहते हैं, नुकीले पत्थर थे। इस तरह के पत्थरों का वहाँ एकत्रित होना, पहले से एकत्रित होना और हजारों की संख्या में एक विशेष चौक पर एकत्रित होना, ये पूरा षड्यंत्र पहले से ही सुनियोजित लग रहा था। इसलिए हमारी राज्यपाल जी से आपके माध्यम से मांग है और यहाँ की भी यही है कि यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग रहते जो अनआइडेंटिफाइड है, जिनकी कोई पहचान नहीं है। वो रेडियो के रूप में है, कबाड़ियों के रूप में है, वो रोहिंग्या है, वो बांग्लादेशी है, वो कहाँ के लोग है, कोई पहचान नहीं है। तो आपसे ये आग्रह कि यहाँ जो ऐसे लोग रह रहे हैं उनकी पहचान करें, चाहे वो झुग्गियों में रह रहे हैं, चाहे वो कबाड़ी के रूप में रह रहे हैं, चाहे रेडियो के रूप में रह रहे हैं, क्योंकि बहुत चोरियाँ और इस तरह के घटनाक्रम बादशाहपुर में दिनों दिन बढ़ रहे हैं और ऐसा लगता है कि उनके आने के बाद ये घटनाएँ बढ़ रही हैं। तो उन पर अगर अंकुश लगाया जाएगा तो यहाँ भी वो माहौल नहीं बनेगा, नहीं तो वो मेवात वाला माहौल यहाँ बनते हुए भी देर नहीं लगेगी। इसलिए आपसे आग्रह उनकी पहचान करें, कबाड़ियों की पहचान करें, रेडियो की कॉपी वाले घुमंतु हैं,
घुमंतु जो लोग हैं रेडियो में घूमते हैं, दिन में सारे घर को देखते हैं, पहचान करते हैं, उसके बाद रात को फिर उस तरह की घटनाएं कर अपराधी घटनाएं करते हैं, उनपे अंकुश लगाना है। ये सब चीज़ आपसे निवेदन है, कैसा कार्य करें। अब जो बात मैं कहूँगा, आपने कैदी मैंने ले लिया, ये आपके अफसरों तक जहाँ भी उचित माध्यम से भिजवा दिया जाएगा, आपकी बात जो रखी है वो रखी जाएगी। अब मैं दो बात बड़ी क्लियर सी करता हूँ। कल भी आप जी समाज के आप ही लोग मेरे पास आए थे थाने में, और आप लोगों ने आश्वासन दिया था कि हम शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे, लेकिन कल आप लोगों ने जो उपद्रव किया उसका वो बहुत ही शर्मसार करने वाला था, है ना। इसमें मैं ये कतई मना नहीं करूँगा कि आप लोगों का उसमें सहयोग नहीं था, पहली बात तो ये है। क्योंकि यदि आप लोग धारा 144 लगी है, कल तक जो हुआ वो हुआ, एक तो ये मैसेज अपने किसी को भी दे देना, कल को ये ना कह दे कि जी हम तो मामला सुलझाने में लगे थे या क्या करने में लगे थे। धारा 144 लगी है तो 144 की 100% आज से और अब से इम्प्लीमेंटेशन होगी। यदि 5 आदमी चाहे कैसे भी करके हैं, वो चाहे कुछ भी उनके पास वो हो, 5 आदमी होंगे, वो मुकदमा दिया जाएगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात, कल यहाँ कई सारी घटनाएं हुई हैं, उनकी सबकी वीडियो है, सारे मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। आप लोगों से मेरा निवेदन है, जो भी उपद्रवकारी थे, जिन्होंने भी वो उस घटना को अंजाम दिया है, वो कहीं बाहर के बच्चे नहीं थे, आप लोगों के सहयोग से उन सबको आइडेंटिफाई करवाया जाएगा और उनको अरेस्ट करवाने में आप हमारी मदद करो, एक नंबर पे तो ये बात है, है ना। बहुत सारे मुकदमे दर्ज हो चुके हैं कल, बहुत सारी कल से कई सारी आगजनी भी हुई है, तोड़फोड़ भी हुई है। और दूसरा एक बात है, जो मेवात में हुआ उसको जनरलाइज ना करो, स्पेसिफिक ना करो, आप अपने एरिया में आप खुद आगजनी और अपना उत्तर जो है वो ना लेके आओ। ये छोटी छोटी बातें आपको लगती हैं लेकिन ये भड़काऊ हैं। आप भाषण दे के चले जाते हो, आपके साथ जो युवा वर्ग खड़ा है या कुछ है सामाजिक तत्व हैं, इसमें ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, 20% ही है, वो सारी तोड़ फोड़ और आगजनी, दुकानें चल रही हैं आपकी चल रही हैं, घर खाली हो रहे हैं आपके हो रहे हैं, व्यापार ठप हो रहा है आपका हो रहा है, बाहर वाले का किसी का नहीं हो रहा है। एक मिनट देखो, कल अरे भैया कल आपने विश्वास दिलाया, फिर आप इतने आदमी थे तो कैसे तोड़ फोड़ होगी बताओ आप। नहीं अरे भैया वहाँ मत लेके जाओ, पाचापुर की बात करो, हम पाचापुर में खड़े हैं। कल जो हुआ आप लोगों ने विश्वास आश्वासन दिया, जो मीडिया है ना पाचापुर में आके घुस रही है, सबसे पहले इस मीडिया को भगाओ बाहर की। क्यों देखो भैया, ये स्वतंत्र है, जो स्वतंत्र है ये तो अपने लोकल है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये फ्री है अपने। इसके लिए कल जो बाजार का बंद था वो केवल बाजार के लोगों ने बंद करा था, गांव के कोई आदमी नहीं थे। एक मिनट, हम आपके वहां गए थे और आपसे एक मिनट मेरी बात सुन लो। वो लोग वहां गए थे और पूरे गांव में चक्कर लगा के सारे व्यापारी अपने अपने घर चले गए थे, वो कहाँ के लोग थे हमें नहीं जानकारी, गाँव का कोई लोग नहीं था, वो हमारे साथ नहीं था, बिल्कुल नहीं थे, वो एक अलग नहीं थे, वो आपकी भीड़ में थे, वो सामने इसमें पहचान लो, अगर एक भी आदमी उसमें हो तो कोई, और 144 लगी हुई है, आप वो ठीक है, आपको भी उसका ठीक है 100% इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। अब ये जो हो गया वो हो गया, ये ले लिया मैंने, अब प्लीज मेरी मेहरबानी है, जो माननीय उच्च अधिकारियों ने जो आदेश पार रखे हैं, जो सिचुएशन आपके यहाँ चल रही है उनका पालन करें। बिल्कुल होगा, ठीक है। हमने आगे से कहा, जो कोई इसमें सहयोग करना चाहता है हमारे पास फुटेज हैं, उनको हम बारी बारी बुला लेंगे, अपना फ़ोन नंबर सच्चे हमें दे दो, आइडेंटिटी हम सब की गुप्त रखेंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल भी ना माने के मुकदमे दर्ज हैं कि उनमें से जो कल था, जिन्होंने कल एक छोटा सा भी पत्थर भी उठाया हाथ में, वो हर हाल में जेल में जाएगा ही जाएगा। इस चीज़ के लिए आप बराए मेहरबानी, मेरा निवेदन है आप सिफारिश में भी ना आए उन आदमियों की। आप जिस बात है कह रहे हो, आपका जन्म भी ना होया होगा, उस बात के हम भुगत भोगी हैं। 84 में दंगा हुआ, बाहर की भीड़ आके
तो मैं तो मैं ये नहीं कह रहा, मैंने ये कहा जिसके हाथ में पत्थर था जो इसमें थे बाहर के आदमी आ गए, आपने विश्वास की बात मेरी बात सुनो, बाहर के आदमी आ गए वो सब आदमी खड़े हैं, इनमें से बताओ कोई आदमी वो, सुनो मेरी बात मैं बताता हूँ, सबकी फुटेज है, मुसलमान मारेंगे मारे ना पहले डीके को मारा वो सबकी फुटेज है, रेहड़ी वाले नहीं मारे हम, धमकाओ ना इस तरह की भाषा ना करो कि हमें भयभीत कर रहे हो, हम आपसे ज्यादा सजग है इस मामले में, हमारा गांव बदनाम हो रहा है, हमें हमारा गांव बदनाम नहीं हो रहा है, तोड़फोड़ कैसे होगी, हमारा गांव भी तो बदनाम हो रहा है, देखा है ये बंदे कोई थे क्या, अब ये बताओ ना, मैं वही कह रहा हूँ, कोई आपने मौजूद आदमी खड़े धारा 144 का हमें भी पता है कि धारा 144 क्या है, हम कोई घर में से नहीं निकलता, मैं वही बात कह रहा हूँ, मेरी बात पूरी होने दो, उत्तर भी है उनको आइडेंटिफाई करवाओ, मेरी बात पूरी होने दो, जब सरदारों के साथ हुआ ना बाहर के करके, और फिर बाद में जो हम पानी वानी दे रहे सरदार, हम ही पिटे फिर बाद में, अब जो हम हमारे यहाँ कोई काम हो रहा है कहीं भी, और हम लिकड़े जा रहे हैं कुछ भी है ठाट से, हमें उसमें दिखा दो फोटो में, और फिर वे हमारे भाई ऐसे ही पिटे पहले भी, तो पड़ोसी हमारी जान हमारे हमको लगाएंगे, नाजायज किसी के साथ होगा नहीं, लेकिन बादशाहपुर में अब एक पत्थर भी उठा तो वो ठीक नहीं होगा, बस मेरा भाई जो मारता उसको पकड़ो, आपसे तो रहा है, सबसे बड़ी बात ये है कल तुम्हारा तो पूरा ही तो स्टाफ होगा, मैं तो गुड़गांव में था, पूरा स्टाफ था, एक आध को तो अरेस्ट करते ना, कौन कौन थे कौन कौन नहीं, वो कर लेंगे नहीं उसी टाइम करना, उस टाइम रुक जाते फिर भाई पता तो चलता ना कौन कहां का, नहीं थाने में हमने ही जाके कहा कि हम पूरी शांति रखेंगे, कोई ऐसा नहीं कहा, इन्होंने थोड़ी काम किया, अब भाई कोई नुकसान हो हमारे गांव की दुकान है, सारे हमारे लोगों की तो दुकानें हैं, कोई बाहर का भी तो, ये बात तो मैं ही कह रहा हूँ भाई, तोड़ फोड़ हो रही है आपके यहाँ हो रही है, नुकसान हो रहा है आपका हो रहा है, भाई कहाँ अच्छा लग रहा है, हमारा गांव बदनाम हो रहा है, हमें अच्छा कहाँ लग रहा है, लेकिन बाहर के लोग आगे कर जाएंगे, लेकिन पता क्या होता है, एक स्टार्टिंग यहाँ से होती है, फिर इसकी कमान है ना, जो वही बच्चे हैं या आवारा घूम रहे हैं वो इसकी कमान को ले लेते हैं, और हम फिर लाचार हो जाते हैं, भाई साहब तो मेरा यही निवेदन है, रोष तो प्रकट करना ही पड़ेगा, इतनी बड़ी घटना हुई है, मेरा यही निवेदन है कि धारा 144 लगी है, इसका 100% अब से वो लागू हो जाए, बाजार खुले या बंद करें ये बताओ, बाजार खुले रखो, बाजार क्यों बंद रखना, बाजार में तो भीड़ होगी, काम करो, बाजार में तो आदमी आएगा ही, आदमी आएगा अपना धंधा करने आ रहा है वो अलग है, और मीटिंग कर रहा है वो गलत है, अपना कोई काम कर रहा है व्यापार कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं, बाजार खुला रहेगा शांति रहेगी, कोई ऐसी घटना नहीं है, बिल्कुल हमारे पास सफिशिएंट है। दो बात आपसे सुन, अगर ज्ञापन हम सड़क पार करके वहाँ आपके थाना में भी दे सके, क्यों मौजूद आदमी हो गए, ज्ञापन हमने ये सबने ज्ञापन के लिए दरोगा साहब ने, तो मैं आ ही गया, मैं तो आपसे से मैंने कहा मैं ही आ रहा हूँ, अब सड़क सही थे ना, तो मैं आदमी के मैं तो वही कह रहा था, मैंने कहा था मैं आ रहा हूँ, आप हम पे क्यों आरोप लगा रहे हो, मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं ये कह रहा हूँ यदि या तो कंप्लीट कमाल आप संभालो जी, हमारी जिम्मेवारी है, पांच आदमी इकट्ठे हो रहे हो तो, और नहीं ये कह रहे जी हमारे पीछे और कोई भी, हम नहीं जानते, फिर थोड़ा सा आप भी अवॉइड करो, फिर प्रशासन पे छोड़ो, आप नहीं थे इससे पहले जब लोग बैठे थे, यही बात थी कि इस चीज को हमें भी देखना, पुलिस प्रशासन भी देख रहा, लेकिन हम भी देखेंगे, उपद्रवी कौन है, एक मैं बताऊं ज्यादा चिंता इन गांव के लोगों को, ऐसे थोड़ी सम्मानित चेहरे ना होते ना कल सामने, तो उपद्रवियों की क्या औकात थी, एक डड़ा भी उठा के देख लेते, तो सम्मानित का नाम तो बताओ, सम्मानित कौन था, हमें तो ये डर है करने वाले कर जाएंगे बाद में हम कुटेंगे, देखो जी वीडियो जहाँ आएगी ना, जहाँ 140 जो जो सेक्शन लगी है, जिस भी धारा का उल्लंघन हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी, आपको बुलाया गया है, हमारी हिम्मत कहाँ जो आपको यहाँ बुलाओ, कोई नहीं आप हम आपके लिए है भाई साहब, फिर वही बात है, आपसे ज्यादा हमें भी चिंता अपने गांव की बदनामी की, हमें आप लोगों का ही सहयोग चाहिए, लेकिन एक सिचुएशन को भापते हुए ना उसी प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल हो जो सिचुएशन चल रही है, ठीक कह रहे हो आप, सारी बात ठीक कह रहे हो, आपका पूरा सहयोग करेंगे।
ये जो गांव में बाहर के आके ऊपर तक करे ना देखो तुम, जिससे आशंका रहती है भाई ये कुछ गड़बड़ हो। जितने अब आप लोग आए हुए ना, अगर आप इंतजामी हमारे साथ खड़े हो जाएंगे ना, एक की मत नहीं बार बार ये कुछ कर दे आप। कल तो हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा, आपसे मैं आज निवेदन करता हूँ, अगर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, अगर बाहर से लग रहा है आपको बाहर के लोग आए हैं, आप 10 आदमी खड़े हो जाए हमारे साथ, जो किसी की भी मदद कर दे। नहीं, कल आपके अंदर ही मस्जिद के ऊपर पूरा दिन हम खड़े रहे वहाँ पर पुलिस। नहीं, सुनिए मेरी बात, सुन तो लीजिए मेरी बात, सुन मेरी बात, सुन लीजिए आप। अरे बाबूजी मेरी भी सुन लो ना, 100 लड़के थे वहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक, एक भी आदमी हमारे पास नहीं आया। अभी मैं समझाता हूँ, एक भी नहीं आया समझाने की बात लो जी जनाब। कल यहाँ पर भी एक आदमी नहीं आया जी, आज हम खड़े आपके साथ है, ऐसे करने कौन यहाँ शरारत कर देगा करके। कल कादरपुर रोड पे तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो नहीं है, रोके है। नहीं, ये ना, दो तरफा काम होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। बाहर के तुम यहाँ आ रहे हो अपने उल्लावास में करो ना, सुनिए मेरी बात, बाहर के आगे हम तो खड़े ही हैं, लेकिन अपने घर को बचाने के लिए आपको भी खड़ा करना पड़ेगा। पूरा सहयोग करेंगे जी, बस ठीक है, धन्यवाद। और चिंता करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं, चिंता है ना जी, 1% जरूरत चिंता करने। पहले पीटे है सरदार कांड में, और फिर साहब ने अब भी कह दी कि थोड़ा सा इशारा दिया हमने, बेफिक्र रहे देखो, दोषी को छोड़ो मत और निर्दोष को बिल्कुल हाथ लगाना मत, बस दोषी को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बस। और निर्दोष कदर से कोई हो जाए, बाजार का व्यापार, अगर आपको ये लगे, अगर आपको ये लगे ना कोई निर्दोष पकड़ लिया है, आप आज तसल्ली करा देंगे आप। नहीं, आप ही निर्दोष क्यों पकड़ोगे जब कुछ नहीं, नहीं हम तो पकड़ेंगे जब हमारे पास सबूत होगा, सबूत होंगे। अगर आपको लगे निर्दोष पकड़ लिया, आप आज तसल्ली करा देंगे आपकी। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद जी, ठीक है, बड़ा धन्यवाद।